हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल स्टैप। उम्मीद है आपकी प्रीलिम्स 2019 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लाए हैं लेक्चर 4 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल, और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक से जो कि है डिफेंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल को 7 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, और पिछले 3 वीडियोस में हमने पहला चैप्टर जो कि स्पेस, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैक्सिमम क्वेश्चन जिस एरिया में से पूछे गए हैं उसे कवर कर लिया है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है डिफेंस, जिसकी लास्ट 4-5 ईयर्स में वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो स्टार्ट करते हैं डिफेंस से। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने प्रीलिम्स 2019 के लिए स्पेशली एक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर हम आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये टेस्ट आप ऑनलाइन ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारी एप्स जो कि सिविल्स डेली की ऐप है एंड्रॉइड पे, उस पे भी ले सकते हैं। इन टेस्ट के अंदर हमने 1000 एमसीक्यूज को कवर किया है इन 10 टेस्ट में, जो कि बिल्कुल प्रीलिम्स यूपीएससी के पैटर्न पे है ये क्वेश्चंस। और इनको क्वेश्चंस को आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी हम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, इसके साथ साथ इन एमसीक्यूज की एक डिटेल डाउनलोडेबल एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल होगी। इन एमसीक्यूज में हमने बेसिकली जान 2018 से लेके मई 2019 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट यूपीएससी सोर्सेज के लिए जो रेलेवेंट हो सकते हैं, हिंदू, पीआईबी, लाइव मेंट, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे सोर्सेज से हमने ये टेस्ट को बनाया है। तो आप अपनी प्रेपरेशन को टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उस लिंक पर जाके। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें डिफेंस, हम आपको बताना चाहेंगे कि डिफेंस को कवर करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप डिफेंस के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान लें। डिफेंस के अंदर आपको 3 मेन चीजें पढ़नी होती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी इंडियन मिनिस्ट्री की अगर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं डिफेंस के अंदर जो आपको पढ़ने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें। उसके अलावा आपको सेकंड चीज जो पढ़नी है वो है डिफेंस मिसाइल्स, इंडियन डिफेंस मिसाइल्स, यानी जो इंडिया की जो इंपॉर्टेंट डिफेंस मिसाइल्स है, इंडिया की जो डिफेंस प्रोग्राम्स है इंपॉर्टेंट, उसको आपको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर आपको मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, सब कुछ पढ़ना है। तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो है इंटरनेशनल मिसाइल्स, जो कि न्यूज में रहती है। तो बेसिकली ये 3 चीजें हैं जो कि डिफेंस में आपको पढ़नी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से, जो कि क्वेश्चन रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स 2009 में। इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो कौन सी, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। ए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, बी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमें बताना है कि इन चारों में से किसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है क्या। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये किसी के अंडर नहीं आता, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर इसे कंट्रोल करता है। इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में बाय अ प्रेजिडेंशियल ऑर्डर। This has been engaged in development of various nuclear power technologies, radiation technologies, and technologies that can be used in medicine, industry, research. तो जहाँ पे भी atomic energy use होती है वहाँ पे ये जो department है directly involved होता है। इस department के under 5 research centers, 3 industrial organizations, 5 public sector undertakings और 3 service organizations भी included हैं। It has under its aegis 2 boards for promoting and funding extramural research in nuclear and allied fields, मैथमेटिकल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट, यानी इसके इस ये सिर्फ ये नहीं है कि खुद रिसर्च कर रहा है, बल्कि उन इंस्टीट्यूशंस, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी प्रमोट कर रहा है जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नाउ जनरली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि काफी हद तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एक और डिपार्टमेंट है जो कि मैक्सिमम रिसर्च और रिसर्च वर्क करता है डिफेंस के अंदर, वो है डीआरडीओ। So let us now study something about DRDO. So Department of Atomic Energy के बिल्कुल उल्टा जो है DRDO है। DRDO जो है एक एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, अनलाइक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसका
हेडक्वार्टर कहाँ पे था? मुंबई में। ये फॉर्म हुई थी 1958 में बाय मर्जर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स था डिफेंस प्रोडक्शन का, उसकी मर्जर से ये फॉर्म हुई थी। इसके अंदर 52 लेबोरेटरीज हैं, डिफरेंट फील्ड्स में ये लेबोरेटरीज काम करती हैं, लाइक एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ साइंसेज, मिसाइल्स एक्सेट्रा। तो ये इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं और ये बेसिकली डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को संभालती है। तो ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लोकेटेड? दिस वॉज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2009। तो अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर, तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, अटोमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। सेकेंड, हैवी वाटर बोर्ड। थर्ड, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड। एंड फोर्थ इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी हमें यहाँ पे चार ऑर्गेनाइजेशन दी हैं और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती हैं। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ताकि आपको पता लगे कि उसके वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है। लेट अस सी द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो नाउ लेट अस सी द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर हम उसको पांच पार्ट्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाक, दैट इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। उसके बाद आता है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट, जो कि हैदराबाद में है। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कलपक्का पे है, तमिलनाडु में है। यहाँ पे फास्ट ब्रीगर रिएक्टर्स बन रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं इसके अंदर, कलपक्कम के अंदर जो भी टेस्टिंग हो रही है फास्ट ब्रीगर रिएक्टर्स की, वो यहीं पे हो रही है। उसके बाद आता है राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि इंदौर में है। VECC कोलकाता में है। और लास्ट, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स थे। इसके बाद हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कौन कौन सी इंक्लूडेड है? इसके अंदर है ECIL, जो कि हैदराबाद में है। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। उसके बाद है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सिंहभूम में है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। लास्ट, भाविनी, वो कहाँ पे है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। तो ये थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो इंक्लूडेड है। इसके अंदर आता है हैवी वाटर बोर्ड्स, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट इज ब्रिट मुंबई। तो ये तीन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि ये जनरल वर्क हैंडल करती है, लाइक सेल, परचेज, जो कि जनरल HR रिलेटेड वर्क्स होते हैं। उसके बाद अगर हम एडेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये भी डायरेक्टली एटॉमिक एनर्जी के नहीं आती, बट ये एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है वो इसको फंड कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। इसके अंदर आता है इंस्टीट्यूट्स लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एनर्जी एंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज इन भुवनेश्वर। NBHM, दैट इज इन न्यू दिल्ली। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, दैट इज इन मुंबई। एंड सिमिलर अदर सेंटर्स। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके अलावा, जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अलावा, हमें कुछ और मिनिस्ट्रीज के भी डिपार्टमेंट चार्ट देखने होंगे, ताकि अगर उनसे इससे सिमिलर क्वेश्चन उन मिनिस्ट्री से पूछा जाए तो भी हम आंसर कर सके। तो जहां तक डिफेंस की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले उसी का एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हम देख लेते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बेसिकली चार डिपार्टमेंट्स आते हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसके अंदर जो है तीनों जो आर्मीज हैं, लाइक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सब इसके अंदर आती है। दिस इज बेसिकली डील्स विद द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। और इसका जो हेड होता है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों जो फोर्सेज हैं उसका जो सबसे सीनियर मोस्ट हेड होता है वो इन तीनों को लीड करता है। तो ये सारे जो भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स होते हैं इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, उसको देखता है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, यानी जो कि ऑलरेडी जो एक्स सर्विसमैन थे ये उनके इश्यूज को हैंडल करता है, लाइक उनकी सैलरीज, उनके पेंशन, ये सब उसको देखता है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ये हेड करता है एक सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक सेक्रेटरी होता है। एंड ये जो बेसिकली काम करता है, इसका काम होता है कि जो डिफेंस के इक्विपमेंट बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, या जो हमें सेल परचेज करनी है, तो उसको ये कंट्रोल कर रहा है। लास्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी के अंदर DRDO भी आता है। तो ये थे चार डिफेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स।
नाउ लेट अस सी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि होम अफेयर्स भी कुछ हद तक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है. सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री ही नहीं हमें सिक्योरिटी दे रही, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं. तो देख लेते हैं एक बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जहां तक हम बात करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उनको देख लेते हैं. उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट. नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी जो भी नक्सलिज्म लाइक इश्यूज होते हैं वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करता है. उसके बाद स्पेशली एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट दिया गया है जे एंड के अफेयर्स के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लास्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स. तो ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं अंडर एमएचए. नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कई बार डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे बनी है, इनका हेड कौन है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका होमवर्क रहेगा कि आप इन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ें और देखें कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैचुटरी है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनी थी और क्या इनका मेन पर्पस रहता है और ये कहाँ लोकेटेड है. तो ये तीन चार चीजें आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़नी है. सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, उसके बाद आता है सीबीआई, उसके बाद आता है बीपीआरडी जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेक्स्ट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनर्जी एजेंसी, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद, नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी शिलोंग, एंड नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, एंड लास्ट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. तो ये सारी ही पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जो आती हैं या इंस्टीट्यूट्स आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, ये किसके अंडर आते हैं, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्टली. एंड लास्ट जो होम अफेयर मिनिस्ट्री की जो फोर्सेज हैं हमें वो देखनी है. होम अफेयर्स की खुद की कुछ फोर्सेज हैं जो कि डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज. इसके अंदर आता है असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज बीएसएफ, सीआईएसएफ जो कि कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं या जो एयरपोर्ट्स होता है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है सीआरपीएफ दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके बाद आता है इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स दैट आईटीबीपी जो कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर एरिया है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट है एनएसजी दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंड लास्ट इज सशस्त्र सीमा बल. तो ये हमारी कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंडर आती हैं. सो ये फोर्सेज भी हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो एग्जाम आता है सीएपीएफ का स्पेसिफिकली, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है सीएपीएफ का एग्जाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. तो उसके लिए तो आप इसको जरूर पढ़ना. और यूपीएससी के लिए भी हद तक कुछ जो न्यूज में रहती हैं और एजेंसीज लाइक एनएसजी बहुत न्यूज में रहता है या बीएसएफ बहुत न्यूज में रहता है, तो इन एजेंसीज का आपको जरूर पता होना चाहिए. सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं. सबसे पहले एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, तो हाँ ये आती है क्योंकि ये डायरेक्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क से रिलेटेड है. सेकेंड है हैवी वाटर बोर्ड, ये भी आती है. थर्ड इज इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये भी आती है इस डिपार्टमेंट के अंडर. एंड लास्ट इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसे हैंडल कर रहे हैं. तो ये चारों ही ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है. तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है वो है इंडियन डिफेंस मिसाइल से रिलेटेड. नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिफेंस मिसाइल से रिलेटेड करेंगे. बेसिकली यहाँ पे हमारा फोकस इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स होगा. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में. यहाँ पे हमें शौर्य मिसाइल्स के ऊपर दो स्टेटमेंट दी गई है. सबसे पहली स्टेटमेंट है शौर्य मिसाइल फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ मोर देन 8 मैक्स, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द रेंज ऑफ शौर्य मिसाइल इज मोर देन 1600 किलोमीटर. तो हमें यहाँ पे बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. इस क्वेश्चन से आपको और भी एक चीज नोटिस करनी है कि जब भी आप मिसाइल्स पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें जरूर याद रखनी है, सबसे पहली उसकी स्पीड एंड सेकेंड उसकी रेंज. तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमें फैक्ट्स दे रहे हैं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि यूपीएससी के लिए हमें किन किन फैक्ट्स को पढ़ना है. तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई मिसाइल देखें न्यूज में लाइक S-400 या कोई भी और मिसाइल अगर आप न्यूज में देखते हैं तो उसके बारे में दो चीजें जरूर देखें, उसकी स्पीड और उसकी रेंज. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगला क्वेश्चन होगा डिफेंस मिसाइल से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है अग्नि 4 मिसाइल से. सबसे पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे इट इज अ सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल, सेकेंड इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, एंड थर्ड इज इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स
अबाउट 7500 किलोमीटर्स अवे। तो इस क्वेश्चन से भी अगेन हमें तीन चीजें यहाँ पे मिसाइल के बारे में दी गई है। सबसे पहला उसका लॉन्च मोड यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है वो। सेकंड उसके अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है वो किस टाइप का फ्यूल है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, दो स्टेज का फ्यूल है, सिंगल स्टेज फ्यूल है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड थर्ड है कि उसका जो वॉर पेलोड है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड है वो कितना कैरी कर सकती है और उसकी रेंज क्या होगी। तो ये तीन फैक्ट्स भी हमें एक मिसाइल के बारे में पता होने चाहिए अदर देन इट्स स्पीड एंड इट्स रेंज, ये इस क्वेश्चन से हमें पता लगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिसाइल रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू पृथ्वी 2। तो पहली स्टेटमेंट है इन नवंबर 2006 डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट इंटरसेप्शन टेस्ट यूजिंग पृथ्वी 2 मिसाइल। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज पृथ्वी 2 इज अ सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल दैट कैन बी डिप्लॉयड टू गार्ड द मेट्रोज अगेंस्ट एयर अटैक्स। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से पृथ्वी 2 के रिलेटेड कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता लगा कि कोई भी मिसाइल पढ़ रहे हैं तो उसकी करंट यूज क्या है, कहाँ पे उसकी यूटिलिटी रह सकती है। जैसे यहाँ पे स्पेशली दिया है कि पृथ्वी 2 को हम मेट्रोस के लिए, मेट्रोस की सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई स्पेशल यूटिलिटी फीचर है उस मिसाइल का तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय नोइंग सम थिंग्स अबाउट दीज मिसाइल्स एज वेल एज द अदर मिसाइल्स जो कि आजकल यूज में रहती हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मिसाइल्स होता क्या है। मिसाइल्स या गाइडेड मिसाइल्स एक सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम होता है। मिसाइल्स के अंदर चार मेन चीजें आती हैं। सबसे पहले टारगेटिंग और मिसाइल गाइडेंस, सेकंड उसका फ्लाइट सिस्टम कैसा है, थर्ड उसका इंजन एंड लास्ट उसका वॉरहेड। तो ये मिसाइल्स की चार चीजें हैं जो कि मिसाइल को डिफाइन करती हैं। अब हमें जो सबसे पहले मिसाइल के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम मिसाइल्स को समझ सकें, याद कर सकें, हमें उसकी क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा। अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता लग जाता है कि जो कि आजकल यूज में रहती है लाइक बैलिस्टिक, क्रूज, सरफेस टू सरफेस, अगर इन वर्ड्स का आपको मतलब पता है तो आप जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। सो इसके लिए हमें एक मिसाइल्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, यानी कि वो मिसाइल कैसी ट्रोजेक्टरी फॉलो कर रही है उसको कहते हैं टाइप। सबसे पहला होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह वर्क करती है, यानी जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बैलिस्टिक ट्रोजेक्टरी फॉलो करती है और ये बेसिकली डिलीवर करती है वन और मोर वॉरहेड्स को प्री डिटर्मिंड टारगेट से। यानी हमने फिक्स टारगेट रखा है उसी तक उसे पहुंचाना है, इसका टारगेट बार बार चेंज नहीं होता। तो ये होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स। अगर इंडिया की बात करें तो कॉमन बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन कौन सी है, पृथ्वी, धनुष और अग्नि। तो ये तीनों जो है इंडिया की कॉमन बैलिस्टिक मिसाइल्स है। So the ballistic missiles that we studied follow the projectile motions, they can be further divided on the basis of the range. यानी एक ballistic missile कितनी range cover कर रही है, यानी जब हम उसके target location से लेके उसके source location के बीच का distance देखते हैं, जो range है उस basis पे हम ballistic missiles को further classify करते हैं। सबसे पहले होती है टैक्टिकल मिसाइल्स। टैक्टिकल मिसाइल्स एक बेसिकली शॉर्ट रेंज मिसाइल्स ही होती है, लेकिन इनकी रेंज बहुत ही कम होती है, इवन लेस देन 300 किलोमीटर्स। ये जो मिसाइल्स होती हैं बहुत ही ज्यादा मोबाइल होती है, क्विक डिप्लॉयमेंट हो सकती है इनकी। तो जो एनिमी अटैक के केसेस में हो सकते हैं, इनकी क्विक असेंबली होने के कारण ये ज्यादा यूज में आती हैं, ज्यादा मोबाइल होती हैं। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, इंडिया ने जो इंडिया की टैक्टिकल मिसाइल्स की बात करें तो उसमें इंक्लूडेड है प्रहार, प्रलय जो कि सबसे लेटेस्ट है, उसके बाद है प्रगति। तो ये तीनों जो है इंडिया की टैक्टिकल मिसाइल्स के अंदर आती है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें उसके अंदर दो हैं, अब्दाली एंड गजनवी, इसके अलावा भी है बट ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा इराक की बात करें तो उसमें अल समाउद आता है। तो ये कुछ टैक्टिकल मिसाइल्स थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की। तो सारी मिसाइल्स जिनकी रेंज लेस देन 1000 किलोमीटर्स होती है उनको हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कह सकते हैं। इसके अंदर आती है अग्नि 1, शौर्य, QR SAM, तो ये सारी क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। उसके बाद आती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनकी रेंज जो होती है वो वेरी करती है 1000 से लेके 3000 किलोमीटर के अंदर, और इसके अंदर इंक्लूडेड है अबाबिल, गौरी 1, गौरी 2, अग्नि 2, तो ये सारी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर आती है। लास्ट है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनकी रेंज सबसे ज्यादा होती है। इनकी रेंज जो होती है जनरली 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, मिनिमम 5500 किलोमीटर हम लेते ही हैं। बहुत ही कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ICBMs डेवलप की हैं, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, जिसकी सबसे पहली बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो इंडिया ने डेवलप की है वो है अग्नि 5। उसके अलावा जो है चाइना की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और DF-31 उनकी एक बहुत ही कॉमनली यूज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
नेक्स्ट जो मिसाइल्स की क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, हमने पहली पढ़ी थी बैलिस्टिक मिसाइल्स। सेकंड टाइप जो है वो है क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वो जनरली एटमॉस्फेयर में ज्यादा हाइट पे फ्लाई नहीं करते, उनकी रेंज सेम, उनकी जो स्पीड होती है वो जनरली कॉन्स्टेंट रहती है एंड आर डिजाइन टू डिलीवर लार्ज वॉरहेड्स, यानी लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाती है, कम हाइट पे जाती हैं और ज्यादा वेट कैरी कर सकती हैं। इनकी रेंज जनरली कम ही होती है, अगर बिलिस्टिक से कंपेयर करें तो इनकी रेंजेस कम होती हैं। शॉर्ट रेंज जो क्रूज की शॉर्ट रेंज होगी वो हमेशा बिलिस्टिक की शॉर्ट रेंज से बहुत ही कम रहेगी। तो यहाँ पे हम शॉर्ट रेंज देख सकते हैं कि क्रूज मिसाइल्स की रहेगी लेस देन 300 किलोमीटर, मीडियम रेंज रहेगी 300 to 1000 किलोमीटर, और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वो जनरली मोर देन 1000 किलोमीटर रहते हैं। तो इनकी रेंजेस की जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट रहती है बिलिस्टिक की रेंजेस से। इसके अंदर इंक्लूडेड कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं निर्भय जो कि इंडिया की है, उसके बाद आती है पोपेयो टर्बो ALCM जो कि इसराइल की है, उसके बाद पाकिस्तान की दो है राड एंड बाबर जो कि बहुत ही कॉमन है, एंड लास्ट US की आती है टॉमहॉक, और उसके अलावा जो इंडिया रशिया की सबसे कॉमनली न्यूज में रहती है वो है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस जो है वो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। क्रूज मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो उनकी एक और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं जो कि स्पीड के बेसिस पे है। सबसे जो स्पीड के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो जनरली इन कंपैरिजन टू साउंड होती है। तो अगर किसी चीज की स्पीड जो है वो इक्विवेलेंट टू साउंड होती है तो हम उसे कहते हैं कि उसकी स्पीड है इक्वल टू 1 Mach। तो अगर किसी चीज की स्पीड जो है वो लेस देन 1 Mach होगी तो उसे हम कहेंगे सबसोनिक मिसाइल्स। तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो होती है उनकी स्पीड होती है लेस देन 340 मीटर पर सेकेंड, यानी लेस देन स्पीड ऑफ द साउंड। इसके अंदर इंक्लूडेड है अमेरिकन टॉमहॉक, हार्पून एंड एक्सोसेट। तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स के। नेक्स्ट आती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जिनकी स्पीड वेरी करती है 2 to 3 Mach के बीच में, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ब्रह्मोस। लास्ट आती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जिनकी स्पीड होती है मोर देन 5 Mach, और इसका जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो है जो हमारा अभी डेवलप नहीं हुआ है बट फ्यूचर में डेवलप होगी, ब्रह्मोस 2 या शौर्य मिसाइल जिसकी स्पीड है अराउंड 7 to 8 Mach के बीच में। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होती है क्रूज मिसाइल्स के लिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं मिसाइल्स की। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड। तो लॉन्च मोड क्या होता है कि आप जब भी आप किसी मिसाइल्स को लॉन्च कर रहे हैं, किस जगह से आप लॉन्च कर रहे हैं और किस जगह पे वो लैंड कर रही है, उस बेसिस पे अभी हम उस मिसाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यानी आप उसको कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, एयर, लैंड, अंडर वाटर या फिर अंडरग्राउंड, तो कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं उस बेसिस पे एंड कहाँ वो लैंड हो रही है वो। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन के अंदर आती है सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स। तो एज द नेम सजेस्ट, यानी ये मिसाइल्स वो होंगी जो कि सरफेस से लॉन्च हो रही हैं और सरफेस पे ही लैंड कर रही हैं। इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो है पृथ्वी। तो पृथ्वी एक कॉमन गाइडेड प्रोजेक्टाइल मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस के अंदर आती है। नेक्स्ट है सरफेस टू एयर। ये वो मिसाइल्स हैं जो कि सरफेस से लॉन्च होती है लेकिन टारगेट क्या होता है इनका, एरियल ऑब्जेक्ट्स लाइक एयरक्राफ्ट मिसाइल। नेक्स्ट उसके बाद आती है सरफेस टू सी मिसाइल्स। ये जो मिसाइल्स होती है सरफेस से लॉन्च होती है लेकिन इनके टारगेट क्या होता है, शिप्स वगैरह, तो ये सी के ऊपर टारगेट होती है इसलिए इन्हें सरफेस टू सी मिसाइल्स है। नेक्स्ट है एयर टू एयर मिसाइल्स, यानी इनको हम एयरक्राफ्ट से लॉन्च करेंगे किसी और एयरक्राफ्ट को या एयर मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसका कॉमन एग्जाम्पल है अस्त्रा। नेक्स्ट मिसाइल देखते हैं जो कि लॉन्च मोड के बेसिस पे है, उसके उसमें आती है एयर टू सर्फेस मिसाइल्स। इसके अंदर वो मिसाइल्स इंक्लूडेड होती हैं जिनको हम एयर से लॉन्च कर रहे हैं लेकिन उनका टारगेट होता है कोई लैंड बेस्ड ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर वो मिसाइल्स आती हैं। नेक्स्ट होती है सी टू सी मिसाइल्स, यानी हम सी में रह के किसी और शिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किसी और वेसल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो होंगी सी टू सी मिसाइल्स। उसके बाद आती है सी टू सर्फेस मिसाइल, यानी आप किसी शिप से किसी लैंड बेस्ड ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, किसी सबमरीन से किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं लैंड पे है जो, तो वो होंगी सी टू सर्फेस मिसाइल्स। एंड लास्ट जो मिसाइल्स होती हैं वो है एंटी टैंक मिसाइल्स। ये वो मिसाइल्स होती हैं जो कि बेसिकली हैवी आर्मरी लाइक टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी होती हैं। इन्हें हम डिफरेंट मोड से लॉन्च कर सकते हैं, फ्रॉम लैंड, फ्रॉम सी या फ्रॉम एयरक्राफ्ट, लेकिन इनका मेन टारगेट क्या होता है, कोई हैवी आर्मरी। तो ये हमारी 8 मेन मिसाइल्स थी ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड। अब हम देखेंगे एक इंडिया का इंपॉर्टेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही वो पहला प्रोग्राम था जहां से इंडिया ने सबसे पहले एक इंटीग्रेटेड वे में, एक डिफाइंड टाइमलाइन वे में मिसाइल्स को डेवलप करना स्टार्ट किया था। तो ये जो प्रोग्राम था इसको स्टार्ट किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इन 1982, और इसको खत्म किया गया, सक्सेसफुली खत्म किया गया इन 2008, यानी इस
दौरान के बीच में जो भी मिसाइल्स इसके अंदर टारगेटेड थी उसको डेवलप किया गया इंडिया ने इंडिजिनसली। ये जो प्रोग्राम है ये किसके अंडर है? ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और इसको मैनेज कर रही थी दो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बॉडी थी, उसके अंडर जो दो ऑर्गेनाइजेशंस इसको एक्चुअली मैनेज कर रही थी, उसको देख रही थी, उसकी वर्किंग को टेस्ट कर रही थी, वो थी डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसके अंदर कौन कौन सी मिसाइल्स इंक्लूडेड है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने के लिए आप एक निमोनिक बना सकते हैं जो कि है पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। पृथ्वी जैसा कि नाम ही बता रहा है कि एक सरफेस से रिलेटेड एक मिसाइल होगी। इसके लिए पृथ्वी के लिए आप याद रख सकते हैं SSS यानी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये पृथ्वी जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि सरफेस से सरफेस को टारगेट कर रही है। उसके बाद है अग्नि, ये भी एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पृथ्वी। नेक्स्ट आता है त्रिशूल। त्रिशूल आपको पता है कि आप किसी भी जगह खड़े होंगे एयर में फेंकते हैं, तो ये होगी एक सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी भी रेंज बहुत ही कम रहती है, less than 30 किलोमीटर ही इसकी रेंज रहती है। उसके बाद आता है नाग जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है। एंड लास्टली आकाश। आकाश जो है एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश से आप याद रख सकते हैं एयर, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? सरफेस से स्टार्ट होगी, एयर तक जाएगी, तो ये होगी हमारी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट 5 मिसाइल्स थी जो हमने सबसे पहले IGMDP के अंडर डेवलप की थी। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट मिसाइल्स देखेंगे या इन्हीं मिसाइल्स की और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी के वेरियंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी 1 की जो कि डिजाइन की गई थी आर्मी के लिए स्पेशली। इसकी रेंज है बहुत ही कम रहती है इसलिए हम टैक्टिकल मिसाइल भी कहते हैं इसे। इसकी रेंज होती है less than 150 किलोमीटर। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल पे वर्क करती है, यानी इसके अंदर एक ही तरह का फ्यूल काम करता है जो कि लिक्विड होता है। इसका लॉन्च मोड जो है सर्फेस टू सर्फेस रहता है। सारी पृथ्वी मिसाइल्स का आप याद रख सकते हैं कि सर्फेस टू सर्फेस ही रहेगा जनरली। उसके बाद हम अगर फीचर्स की बात करें तो पेलोड में ये कैरी कर सकती थी up to 1000 kg यानी 1 टन ये कैरी कर सकती है, और इसे जल्दी ही रिप्लेस किया जाएगा प्रहार मिसाइल के बाद द्वारा। सेकेंड जो हमारा है वेरियंट पृथ्वी का वो है पृथ्वी 2। इसे डिजाइन किया गया था एयरफोर्स के लिए। भले ही एक सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है बट क्योंकि इसे एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया था तो हम इसे एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके इसकी जो रेंज है वो मोर देन पृथ्वी 1 है, तो इसके अंदर 350 किलोमीटर रेंज रहती है इसकी, और ये भी एक सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। बट इसका जो पेलोड है वो बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू पृथ्वी 1। इसका पेलोड इज जस्ट 500 kg। नेक्स्ट है पृथ्वी 3। ये नेवल वेरिएंट है पृथ्वी का, यानी जिसे नेवी के लिए डिजाइन किया गया स्पेसिफिकली। इसे हम धनुष भी कहते हैं। इसकी रेंज भी सिमिलर टू पृथ्वी 2 है, दैट इज 350 किलोमीटर, और ये भी एक बिलिस्टिक 2 स्टेज मिसाइल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी 3 जो है वो एक 2 स्टेज मिसाइल है, अनलाइक पृथ्वी 1 एंड 2 जो कि सिंगल स्टेज लिक्विड मिसाइल थी। इसके अंदर पहली स्टेज सॉलिड रहती है और दूसरी लिक्विड। इसे लॉन्च किया जाएगा क्योंकि एक नेवल वेरिएंट है तो इसे सी से लॉन्च किया जाएगा, और इसका पेलोड भी 1000 kg रहेगा। तो ये थे पृथ्वी के 3 वेरिएंट्स। अब हम बात करते हैं अग्नि मिसाइल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अग्नि मिसाइल्स के वेरिएंट की। सबसे पहले बना था अग्नि 1। इसकी रेंज बहुत ही कम रहती थी अगर हम कंपेयर करेंगे लेटेस्ट वर्जन अग्नि 5 से और जो कि अभी डेवलप करने वाला है अग्नि 6 से। अग्नि 1 की जो रेंज थी वो थी 700 किलोमीटर, तो बेसिकली एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसके अंदर एक ही स्टेज थी और वो सॉलिड थी। ये एक सर्फेस टू सर्फेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थी। उसके बाद आई अग्नि 2 जिसकी मीडियम रेंज जो कि मीडियम रेंज मिसाइल थी। ये इसकी रेंज रहती थी up to 2000 किलोमीटर, और ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल थी। बट इसमें डिफरेंस क्या आया? इसके डिफरेंस ये आया कि इसके अंदर 2 स्टेजेस इन्वॉल्व थी और दोनों ही सॉलिड रहती थी। तो ये इसका मेन डिफरेंस था इन कंपैरिजन टू अग्नि 1। उसके बाद आई अग्नि 3 जिसका रेंज सिमिलर थी up to 2500 किलोमीटर, और ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल थी विथ 2 स्टेजेस। इसके अंदर जो मिसाइल्स आ रही हैं अग्नि मिसाइल्स आ रही हैं, अब एक नई कैपेबिलिटी आ गई है फायर एंड फॉगेट कैपेबिलिटी। तो जो आगे के वर्जन्स हैं सभी में फायर एंड फॉगेट कैपेबिलिटी रहती है। उसके बाद आई अग्नि 4। इसकी रेंज हुई 3500 से लेके 5000 किलोमीटर तक, यानी अभी ये पूरी तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनी थी बट उस एरिया में हम आ गए थे। इसमें भी 2 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, दोनों ही सॉलिड रहती हैं, और इस इन मिसाइल्स के अंदर एक रिंग लेजर गायरो कंपोजिट रॉकेट मोटर भी रहती है। तो बेसिकली रिंग लेजर मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहता है अग्नि 4 मिसाइल्स ऑनवर्ड।
अग्नि 5 की हम बात करें तो ये हमारी पहली आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बिलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज रहती है अप टू 8000 किलोमीटर्स, और ये भी टू स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। ये न्यूक्लियर कैपेबल है, इसका पेलोड है अप टू 1500 केजीज, और इसके अंदर भी फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी रहती है। लास्ट जो अभी डेवलप की जा रही है, ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, ये है अग्नि 6। इसकी रेंज रहेगी अप टू 10,000 किलोमीटर्स, और इसमें भी दो स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी जो कि दोनों ही सॉलिड रहेंगे। इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स होगी इसमें फैसिलिटी, प्लस ये एक मेन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम भी इसके अंदर होगा। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम टारगेट कर पाएंगे और उनकी एंट्री को भी हम री इवेल्युएट कर पाएंगे, मेन्यूवर कर पाएंगे। तो ये स्पेशल फीचर्स रहेंगे अग्नि 6 के। अब हम कुछ और मिसाइल्स देखते हैं। उसके बाद है त्रिशूल। इसकी रेंज बहुत ही कम रहती है, 9 किलोमीटर्स। ये एक लो फ्लाइंग अटैक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके अंदर एक ही स्टेज है, सॉलिड स्टेज है, और ये एक सर्फेस टू एयर मिसाइल है। दिस इज इक्विप्ड विद इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स अगेंस्ट ऑल नोन एयरक्राफ्ट जैमर्स। तो यानी हम इसे एंटी सी स्कीमर की तरह यूज करते हैं फ्रॉम शिप्स अगेंस्ट लो फ्लाइंग अटैक्स। तो हमें लो फ्लाइंग अटैक से बचने के लिए त्रिशूल को यूज करना पड़ता है, ताकि हम इन्हें शिप से लॉन्च करते हैं तो एक ये जैमर की तरह भी एक्ट करती है। नेक्स्ट है नाग, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसकी रेंज भी बहुत कम रहती है, अप टू 10 किलोमीटर ही रहती है इसके अंदर। लेकिन दो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, दोनों ही सॉलिड रहती है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड। सबसे पहला है नामिका, जो कि एक टैंक डिस्ट्रॉयर है। उसके बाद है हेलिना, जो कि एक हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट है नाग का। हेल से आप याद रख सकते हैं हेलीकॉप्टर। उसके बाद है एक एयर लॉन्च वर्जन ऑफ नाग, जो कि हम एयरक्राफ्ट से लॉन्च करते हैं। तो यानी एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसे हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो नाग के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ये एक थर्ड जनरेशन हिट टू किल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम मिसाइल है। इसके अंदर एक एक्टिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर रहता है, और इसकी स्पीड रहती है सबसोनिक रेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे आकाश मिसाइल की। इसकी रेंज है अप टू 30 किलोमीटर, और ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अंदर एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, और इसकी जो पेलोड रहता है वो अप टू 720 kg मिसाइल है। और ये जो रेंज है इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, तो ये एक सुपरसोनिक स्पीड कमांड गाइडेंस मिसाइल है। तो ये कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड आकाश। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम उन मिसाइल्स की बात करेंगे जो कि न्यूज में रहती हैं। सबसे पहले मिसाइल जो न्यूज में रहती है वो है ब्रह्मोस। इसकी रेंज रहती है अप टू 290 किलोमीटर, लेकिन आफ्टर इंडियाज एंट्री टू द MTCR क्लब, अब इसकी रेंज को कह रहे हैं कि एक्सटेंड करेंगे अप टू 450 किलोमीटर। तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसके अंदर पहली स्टेज सॉलिड है और दूसरी स्टेज लिक्विड रहती है। इसे किसी भी मोड से हम लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन, मिशिप्स, एयरक्राफ्ट या लैंड से। तो इसकी मल्टी वेरियंट लॉन्च कैपेबिलिटी ही इसको स्पेशल बनाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए वो ये कि ये एक इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ये फास्टेस्ट क्रूज सबसोनिक क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रही है अब तक, और इसके अंदर जो इंजन है वो है रामजेट इंजन। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ब्रह्मोस। इसी से हम याद कर सकते हैं ब्रह्मोस 2 के भी कुछ फैक्ट्स। इसकी रेंज भी अप टू 450 किलोमीटर रहेगी, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रहेगी। इसकी स्पीड रहेगी अप टू 7 max। इसका जो इंजन है वो भी डिफरेंट है, अनलाइक इसके अंदर जो रामजेट इंजन यूज था, इसके अंदर स्क्रामजेट इंजन यूज होगा। दो स्टेजेस रहेंगी, सॉलिड और सेकेंड रहेगी लिक्विड। इसके अंदर भी मल्टीपल लॉन्च कैपेबिलिटी रहेगी, और ये भी इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे K-15 सागरिका को की। इसकी रेंज रहती है 750 किलोमीटर, और ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर दोनों ही स्टेजेस सॉलिड रहती है। इसे हम जनरली लॉन्च करते हैं सबमरीन से। जो भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो K-15 सागरिका को कैरी करते हैं, और ये न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्च मिसाइल है। उसके बाद हम बात करते हैं अस्त्रा की। इसकी रेंज भी बहुत कम रहती है, अप टू 20 से 80 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड दैट इट इज फ्लाइंग। ये एक सुपरसोनिक 4.5 मैक के पे फ्लाई करने वाली मिसाइल है, और इसके अंदर भी सॉलिड फ्यूल वेरिएंट रहता है। ये एयर टू एयर सर्फेस एयर टू एयर लॉन्च मिसाइल है, यानी ऐसी मिसाइल जो कि एयर से ही लॉन्च की जाती है और एयर को ही टारगेट करती है, एयर व्हीकल्स को ही टारगेट करती है। इसकी स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें तो ये सारे वेदर्स में कैपेबल रहती है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो अगर कहीं भी लिखा हो कि क्या अस्त्रा एक BVA-A2A मिसाइल है, तो हाँ ये एक BVA-A2A मिसाइल रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रलय मिसाइल की। प्रलय मिसाइल जो है इसकी रेंज रहती है 350 से लेके 500 किलोमीटर के बीच में। ये भी एक टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अंदर सॉलिड फ्यूल रहता है, और इसका लॉन्च मोड रहता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये बेसिकली।
इसे हमने डेवलप किया है ऑन द बेसिस ऑफ पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, यानी पृथ्वी जो हमारा डिफेंस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर हम इसे लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्भय की। निर्भय एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, यानी अनलाइक जो अभी तक हमने जो मिसाइल्स पढ़ी थी एक्सेप्ट फॉर ब्रह्मोस वो बिलिस्टिक थी। सेकेंड जो हमें इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल पढ़नी है वो है निर्भय। तो निर्भय एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, सारे वेदर्स में काम करती है और इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो एक सबसोनिक मिसाइल रहती है। इसके अंदर दो स्टेजेस रहते हैं, सॉलिड प्लेटफॉर्म से इसे सॉलिड स्टेजेस होती है, इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। और ये बेसिकली इसे कहा जाता है कि ये इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन मिसाइल टॉमहॉक है। इसके अंदर एक रिंग लेजर गायरोस्कोप बेस्ड गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि इसे कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट मिसाइल जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा रहती है वो है क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल, यानी QRSAM। इसकी रेंज रहती है अप टू 30 किलोमीटर और ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके ये भी एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल है जो कि सर्फेस टू एयर मोड है इसका। तो जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं दिस इज SAM यानी सर्फेस टू एयर मिसाइल। इसे हम जनरली लॉन्च करते हैं फ्रॉम रोटेबल ट्रक माउंटेड, यानी ऐसे लॉन्चर से जिसमें ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स जो होते हैं वहां से इसे लॉन्च करते हैं। ये एक ऑल वेदर और टेरेन मिसाइल है, यानी किसी भी वेदर में किसी भी टेरेन से इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारी जो कैपेबिलिटी है अगेंस्ट एनिमीज ये बढ़ जाती है। और ये एक इंडिजिनस मिसाइल है जो कि DRDO ने डेवलप की है। उसके बाद हमने जो मिसाइल पढ़नी है वो है शौर्य मिसाइल। इसकी रेंज रहती है अप टू 700 किलोमीटर और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो इसकी स्पीड रहेगी अप टू 7.5 मैक्स। ये एक टू स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है और इसके लॉन्च मोड भी सरफेस टू सरफेस रहता है। एंड बेसिकली दिस इज द लैंड वेरिएंट ऑफ साकरिका KA-15। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वी स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन था रिलेटेड टू शौर्य मिसाइल, ये पूछा गया था 2009 के प्रीलिम्स पे। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि इट फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ मोर देन 8 मैक्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट है रिलेटेड टू इट्स रेंज जो कि दी गई है मोर देन 1600 किलोमीटर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि शौर्य मिसाइल की जो स्पीड रहती है वो 7.5 मैक्स है, यानी 8 मैक्स से कम ही रहती है। और इसकी जो रेंज भी है वो अप टू 700 किलोमीटर है, यानी लेस देन 700 किलोमीटर ही रहती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी नीदर वन और टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो हमें अग्नि 4 मिसाइल्स के रिलेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले इट इज अ सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल, सही जवाब, क्योंकि सारी अग्नि मिसाइल्स जो है वो सर्फेस टू सर्फेस रहती है। उसके बाद है इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अग्नि 4 मिसाइल्स में दोनों स्टेजेस में सॉलिड यूज है, लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं यूज। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर अवे, यानी इसकी रेंज जो होगी वो 7500 किलोमीटर है। बट ये भी गलत है क्योंकि अग्नि 4 की जो रेंज है वो लेस देन 5000 किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा 1 ओनली, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन नवंबर 2006 DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द इंटरसेप्शन टेस्ट यूजिंग पृथ्वी 2 मिसाइल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी 2 का सबसे पहला जो इंटरसेप्शन टेस्ट हुआ था वो 2006 में हुआ था। उसके बाद स्टेटमेंट है पृथ्वी 2 इज अ सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल एंड कैन बी डिप्लॉयड टू गार्ड द मेट्रोस अगेंस्ट एयर टू एयर अटैक्स। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि पृथ्वी 2 को 2 एक सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है और इसे हम मेट्रो गार्ड्स के लिए अगेंस्ट एयर अटैक्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं जो कि हमारे सिटीज पे हो सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न टैंक। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक टैंक है, फर्स्ट भीम, सेकेंड आकाश, थर्ड अर्जुन या फोर्थ पृथ्वी। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस आर्टिलरीज की जो कि न्यूज में रहती है। इसके डिफेंस आर्टिलरी के अंदर गन्स, टैंक सब कुछ इंक्लूडेड होता है, मिसाइल्स भी इंक्लूडेड होती है। तो आपको कोई भी अगर आप न्यूज में इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसके टाइप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले जो न्यूज में आजकल चल रहा है वो है पिनाका मार्क सिस्टम। इसके दो वेरियंट है, मार्क 1 और मार्क 2। दोनों की रेंजेस में डिफरेंस है। मार्क 1 की अगर हम बात करें तो उसकी रेंज रहती है अप टू 40 किलोमीटर और मार्क 2 की अगर हम बात करें तो उसकी रेंज है अप टू 75 किलोमीटर। इसे इंडिजिनसली डेवलप किया है DRDO ने। और ये है क्या, ये बेसिकली मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और ये एक अनगाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है अर्जुन। अर्जुन है एक थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक, और इसके अंदर जो फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो स्पेशल फीचर्स है, एक कंप्यूटराइज फायर कंट्रोल सिस्टम रहता है और एक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम भी इसमें अंदर रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गन की, ये है K9 वज्रा टी गन, जो कि एक आर्टिलरी गन है और इसे डेवलप किया था साउथ कोरिया ने, एंड इंडिया इज प्लानिंग टू इम्पोर्ट दिस गन फ्रॉम साउथ कोरिया। उसके बाद आता है भीम। भीम बेसिकली एक आर्टिलरी सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने बनवाया था फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कंपनी डेनेल। तो भले ही इसे इंडिया ने बनाया था लेकिन खुद नहीं बनाया था, विद हेल्प ऑफ साउथ अफ्रीकन कंपनी डेनेल बनाया था टू मेक इट सेल्फ प्रोपेल्ड आर्ट टू मेक इंडिया अ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, और उसकी फॉरेन पे डिपेंडेंस कम हो पाए, उसका इम्पोर्ट बिल कम हो जाए, तो इसलिए हमने भीम बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिलरी थी जो कि न्यूज में रहती हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो हमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न टैंक। सबसे पहले ए भीम, बी आकाश, सी अर्जुन या डी पृथ्वी। तो भीम हमने देखा कि ये एक टैंक नहीं है, एक आर्टिलरी सिस्टम है। आकाश अगेन सर्फेस टू एयर मिसाइल रहती है। अर्जुन की अगर हम बात करें तो एक थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक था, तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज अर्जुन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि बाकी डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है, लाइक हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स। तो उन डिफेंस इक्विपमेंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज ध्रुव। तो यहाँ पे पूछा गया कि ध्रुव क्या है, एक एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप, एक मिसाइल कैरिंग सबमरीन, सी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और या फिर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमें बताना है कि ध्रुव इनमें से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है INS सिंधु घोष क्या है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, और दूसरा कि INS विराट एक सबमरीन है। तो हमें बताना है कि इन दोनों ये जो दोनों व्हीकल्स हैं, वेसल्स हैं, ये एग्जैक्टली है क्या। तो उनकी टाइप हमें पूछी गई है। थर्ड क्वेश्चन जो सिमिलरली बेस्ड है वो है INS अष्टधारणी के ऊपर। तो हमें पूछा गया कि INS अष्टधारणी क्या है, बेसिकली टाइप क्या है, क्या है वो एक एम्बिफियस वॉरफेयर शिप है, यानी जो जो दोनों लैंड और वाटर पे चल सकती है। उसके बाद क्या वो एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, या फिर वो एक टॉपिडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, या फिर एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से INS अष्टधारणी क्या है। तो बेसिकली आपको इन क्वेश्चन से ये पता लग रहा है कि जनरली कोई डिफेंस इक्विपमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी टाइप जानना। भले ही उसका कोई फीचर आपको याद रहे ना रहे, बट आप उसकी टाइप, जो एग्जैक्ट टाइप जो न्यूज़पेपर्स में या हेडिंग्स में आती है, वो जरूर याद रखना है। सो नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इट्स टाइप्स। सो नाउ लेट अस रीड समथिंग अबाउट द एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स जो कि आजकल न्यूज में रहते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये बेसिकली पहला इंडिया का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। अभी तक इंडिया ने जो भी एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो थर्ड या फोर्थ जनरेशन तक ही रहे हैं। ये पहला ऐसा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जो कि इंडिया इंडिजिनियसली बनाएगा, और इसकी इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक फ्लाइट अप टू 2032। ये जो एयरक्राफ्ट होगा इसके अंदर हाई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी विच विल मेक इट डिफिकल्ट टू स्पॉट। उसके बाद हम बात करते हैं तेजस की। तेजस जो है इंडिया का इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि डिजाइन किया था ADA और HAL ने मिलकर। ये एक सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन है, बट इट हैज मल्टीपल रोल लाइट फाइटर। तो ये स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टीपल रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, एंड इट कैन कैरी फायर एयर टू एयर मिसाइल्स, कैरी बॉम्ब्स एंड प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन। तो ये तेजस की खासियत है, और ये आपको ध्यान रखना है कि एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं MiG-21 की, जो कि एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसे इंडिया ने इंडक्ट किया था इन 1963, एंड बाद में इसे इंडिया खुद ही डेवलप करने लग गया था। आफ्टर इनिशियली इसे रशिया से लिया गया था, बाद में इंडिया ने इसे खुद डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर द फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड राइट्स टू बिल्ड द एयरक्राफ्ट। उसके बाद हम बात करते हैं ध्रुव की। ध्रुव बेसिकली एक यूटिलिटी लाइट हेलीकॉप्टर है, इसे डेवलप किया था HAL ने, और इसे दोनों पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, मिलिट्री भी और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुखोई SU-30 MKI की, जो कि अगेन एक इंडिजिनियस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। इनिशियली इसे रशिया से लिया गया था और बाद में इंडिया इसे खुद डेवलप करने लग गया है। ये एक ट्विन फिन ट्विन जेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे बोथ सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो कैरी गन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स एंड वेपनरी। इसकी स्पीड रहती है अप टू 2 मैक्स, यानी एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है।
उसके बाद हम बात करते हैं फेहोंग 98 की, जो कि एक चाइनीज एयरक्राफ्ट है एंड दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी दिस इज अनमैन्ड। तो ये इसकी खासियत है कि एक अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है एंड इट कैन कैरी द पेलोड्स अप टू 1.5 टन्स। इसकी रेंज रहती है अप टू 1200 किलोमीटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कामोव के A226T की, जो कि रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडिया ने रिसेंटली एक डील साइन की थी रशिया के साथ ताकि इसे खरीद सके। तो ये बेसिकली रिप्लेस करेगा इंडिया के एजिंग हेलीकॉप्टर्स को जो कि चीता एंड चेतक हैं। और ये खुद इसकी बात करें तो ये एक ड्यूअल पर्पस हेलीकॉप्टर है जो कि जिसके अंदर ट्विन इंजन मल्टीपल रोल चॉपर्स फिट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रफेल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। ये बेसिकली फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिसे डिजाइन किया था डिसॉल्ट एविएशन ने। ये भी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूएवीज की। यूएवीज क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी वो ड्रोन्स या व्हीकल्स जिन्हें हम रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं या फिर रोबोट डिस्टेंट नेविगेशन करते हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में है निशांत, जो कि इंडिया इंडिया की डीआरडीओ की लैब ने डेवलप किया था, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश ने। और इसके अंदर एक स्पेशल फैसिलिटी ये रहती है कि इसके अंदर कैटापुल्ट लॉन्च फैसिलिटी रहती है, जो कि जनरली हाई रेंज या फिर हाई हाई स्पीड व्हीकल्स में ही रहती है। तो इसके अंदर भी एक कैटापुल्ट लॉन्च फैसिलिटी रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं पंछी की। अगेन ये एक यूएवी है, ये लाइटर वर्जन ऑफ निशांत है एंड इट कैन टेक ऑटोनॉमस फ्लाइट कैपेबिलिटी। इट हैज एन ऑटोनॉमस फ्लाइट कैपेबिलिटी विद कैटापुल्ट लॉन्च फैसिलिटी। तो ये अगेन सिमिलर टू निशांत है, लेकिन ये एक लाइटर वर्जन ऑफ निशांत है। उसके बाद हम बात करते हैं एक अमेरिकन यूएवी की, जो कि है ग्लोबल हॉक ड्रोन। ये बेसिकली एक सर्विलेंस ड्रोन है, ये हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं रुस्तम 2 की। ये अगेन एक अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एयर व्हीकल है, तो बेसिकली हम इसको मिलिट्री पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस व्हीकल है जो कि डेवलप किया गया था डीआरडीओ ने फॉर इट्स 3 आर्मीज, दैट इज इंडियन आर्मी, नेवी एंड डिफेंस फोर्स एयर फोर्सेस। तीन हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उसके लिए इसे डेवलप किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सबमरीन्स की। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है आईएनएस अरिहंत, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसे इंडिया ने इंडिजिनियसली, ये इंडिया की पहली इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जिसका वेट अप टू 6000 टन्स है। और ये इसके अंदर अगर हम बात करें, इट कैन कैरी 12 सागरिका K-15 सबमरीन मिसाइल्स। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, विच किन विच हुज रेंज इज अप टू 700 किलोमीटर। इसे इसे अभी कमीशन किया गया है इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट बात करते हैं आईएनएस चक्रा की। ये अगेन एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, लेकिन इसे हमने रशिया से खरीदा था, तो ये इंडिया की खुद की नहीं है, इसे हमने रशिया से लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं आईएनएस सिंधु घोष की, जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिक पार्ड सबमरीन है। अनलाइक द प्रीवियस टू जो कि न्यूक्लियर पावर थी, एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। और इसे ये फर्स्ट सबमरीन थी जो कि इंडियन नेवी में इक्विप थी विद अ कैपेबिलिटी नोन एज एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स। इसकी रेंज रहती है, इन क्रूज मिसाइल्स की रेंज रहती है अप टू 220 किलोमीटर। उसके बाद आई शिशुमार। इसके इस रेंज में और भी व्हीकल्स को डेवलप किया गया शिशुमार रेंज की। अगर हम बात करें तो और भी इसमें सिमिलर नेम्स है, आपको बताना है कौन कौन से हैं। इन्हें हमने डेवलप किया था विद हेल्प ऑफ जर्मनी। तो इसमें बेसिकली कलारी क्लास अटैक सबमरीन की फैसिलिटी रहती है और इसे इसे जो शिशुमार सबमरीन है इसे कमीशन किया गया है एट मुंबई। नेक्स्ट बात करते हैं आईएनएस किल्टन की, जो कि एक कमोटा क्लास कॉर्वेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनलाइक द प्रीवियस 4 दिस इज अ कॉर्वेट, यानी एक सबमरीन नाव के ये एक कॉर्वेट है। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है जो कि इंडियन नेवी ने बिल्ड की थी अंडर प्रोजेक्ट 28। और इस आईएनएस किल्टन को डेवलप किया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने कोलकाता के। जो ये किल्टन है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसे डेवलप किया गया है विद हेल्प ऑफ कार्बन फाइबर, तो ये इस जिस जो इसे एडवांस स्टेल्थ फीचर्स भी देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएनएस विक्रमादित्य की, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है हमने इनिशियली एक्वायर किया था रशिया से 2.3 बिलियन में। और अब ये जो है इंडिया का मेन एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओरिजिनली इसका नेम था बाकू और इसे सोवियत नेवी में भी यूज किया गया था, बाद में इसे इंडिया ने यूज करना स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद आता है आईएनएस विशाल, जो कि इंडिया का दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला है विक्रांत, दूसरा है विशाल। ये बिल्ड किया जा रहा है एट कोचिन शिपयार्ड एंड इट माइट हैव कैटोबार सिस्टम
एंड इट कैन कैरी अप टू 55 एयरक्राफ्ट। तो जो INS विशाल है अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, इसकी कमिशनिंग नहीं हुई है, तो इसके लिए हम श्योर नहीं कह सकते कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी होंगी, बट इट इज बीइंग सेड दैट इट माइट हैव कैटोबार सिस्टम एंड लॉन्च एबिलिटी ऑफ 55 एयरक्राफ्ट, यानी कैरिंग कैपेसिटी जो होगी इसकी अप टू 55 एयरक्राफ्ट होगी। कैटोबार सिस्टम बेसिकली एक लॉन्च सिस्टम होता है जो कि एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है INS विक्रांत। INS विक्रांत क्या है? एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है एंड इसकी जो ट्रायल्स चल रही हैं अभी, इसकी जो डेवलपमेंट चल रही है वो चल रही है एट कोची शिपयार्ड लिमिटेड। अगर INS विक्रांत की बात करें तो इंडिया में पहले भी एक INS विक्रांत था जो कि डी कमीशन कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से एक INS विक्रांत बनने जा रहा है जिसको स्टार्ट किया जाएगा इन 2021। उसके बाद हम बात करते हैं INS विराट की, जो कि एक सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था। ये जो था इसे डी कमीशन कर दिया गया था। ये लास्ट ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया था। इसे डी कमीशन कर दिया गया था इन 2016 और अब इसे डेवलप किया जाएगा एज अ म्यूजियम। तो ये हमारा एक पहला ऐसा डी कमीशन न्यूक्लियर कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे अब म्यूजियम की तरह डेवलप किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं INS अष्टधानी की, जो कि एक टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। इसे इंडियन नेवी ने टोटली इंडिजिनियस वे में डिजाइन किया था और इट इज बीइंग कमीशन एट विशाखापट्टनम। उसके बाद हम बात करते हैं रानी रशमोनी की, जो कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल है और इसे डेवलप किया था हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। उसके बाद हम बात करते हैं INS तरसा की, जो कि एक जेट फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर बहुत सारी अदर शिप्स इंक्लूडेड है। INS तरसा बेसिकली एक क्लास है, इसके अंदर फर्दर एक शिप्स इंक्लूडेड है जिसके अंदर आती है INS थर्मोकली एंड तिहायु, INS तिलचांग जो कि इनिशियली अभी स्टार्ट हुई थी इन 2018। तो ये स्टार्ट किया जा रहा है करवार में। इसकी अगर जेट फास्ट क्राफ्ट की बात करें, अगर हम जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की बात करें, तो इसके अंदर गुड एंड्योरेंस है, लो ड्रॉट है, हाई स्पीड है, हाई मेन्यूवरेबिलिटी है एंड इट इज सूटेड टू बोथ कोस्टल एंड ऑफशोर ऑपरेशंस। ये INS तरसा की हमने बात की। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स थे जो कि न्यूज में रहते हैं, चाहे वो गन्स हों, चाहे वो मिसाइल्स हों या वो हेलीकॉप्टर्स हों। तो नाउ अब हम इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था रिलेटेड टू ध्रुव, कि ध्रुव एक्चुअली है क्या। तो ध्रुव हमने अभी पढ़ा था कि इट वॉज बेसिकली अ हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमें पूछा गया कि INS सिंधु घोष और INS विराट क्या थे। INS सिंधु घोष जो थी वो एक सबमरीन है और INS विराट जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा डी, यानी नीदर वन और टू आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस जो सेक्शन का है, उसमें हमें पूछा गया था कि INS अष्टधानी क्या थी। तो ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2016 में। तो INS अष्टधानी क्या थी? एक एम्फिबियस वॉरफेयर शिप या एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि इंडिया की अभी तक एक ही मेन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, वो है INS अरिहंत। तो INS अष्टधानी के नॉट बी दैट। उसके बाद है टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल और लास्ट है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं आप याद रख सकते हैं, उनका जनरली नाम वी से स्टार्ट होता है। तो INS अष्टधानी का नाम वी से नहीं स्टार्ट है तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। इस बेसिस पे हम दो ही ऑप्शन के साथ रह जाते हैं, ए और सी। और इसका आंसर है इट इज बेसिकली टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। तो ये क्वेश्चन आप इन जो भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए उस बेसिस पे आप ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। अब विद रेफरेंस टू इंडियन डिफेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहले विद इंडक्शन ऑफ पृथ्वी 2, IAF इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड विद सर्फेस टू सर्फेस बेलिस्टिक मिसाइल अंडर इट्स कमांड। सेकेंड, सुखोई 30 MKIJ जेट फैक्टर्स कैन लॉन्च एयर टू एयर एंड एयर टू सर्फेस प्रिसीजन मिसाइल्स। थर्ड, त्रिशूल इज अ सुपरसोनिक सर्फेस टू एयर मिसाइल्स विद रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स। एंड फोर्थ, इंडिजिनियसली बिल्ट INS प्रबल कैन लॉन्च पृथ्वी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इंटरनेशनल मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले, वॉट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम विच इज सीन इन न्यूज। तो ये पूछा गया था रिसेंटली प्रीलिम्स 2018। सबसे पहले, इट इज एन इजरायली रेडार सिस्टम। सेकेंड, इट इज इंडियाज इंडिजिनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम। थर्ड, इट इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। और फोर्थ, एंड अ डिफेंस कोलाबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। तो इन चारों में से हमें बताना है कि थर्ड क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिमिलर इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है वो है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये बेसिकली बराक मिसाइल के ऊपर है जो कि एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो बताना है कि इंडिया ने इसे किस कंट्री से बाय किया है, ए इसराइल, बी फ्रांस, सी रशिया या डी यूएस। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होते क्या हैं? ये बेसिकली वो टाइप है मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो कि कंट्री के एक शील्ड की तरह एक्ट करती है फ्रॉम द इनकमिंग मिसाइल्स, यानी जो बाकी मिसाइल्स अगर कोई और कंट्री लॉन्च कर रहा है तो उससे बचने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है उसे हम कहते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी तक कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनका खुद का इंडिजिनियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर यूएस, रशिया, इंडिया, फ्रांस और चाइना आती हैं। इंडिया अभी इसे डेवलपमेंट स्टेज में है, इंडिया का कंप्लीटली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया की अगर हम बात करें वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसे दो टायर में डिवाइड किया गया है, सबसे पहला टायर है एडवांस एरिया डिफेंस और दूसरी है पृथ्वी एयर डिफेंस। तो इसके दो स्टेजेस हैं या दो टायर्स हैं अगर हम बात करें। सबसे पहली टायर अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसके अंदर दो स्टेजेस हैं, पहली सॉलिड रहती है और दूसरी लिक्विड रहती है। तो ये इसे हम पृथ्वी को यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द मिसाइल्स दैट आर इन एक्सो एटमोस्फेरिक ऑल्टीट्यूड, यानी जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में 50 to 80 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड्स में उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम पृथ्वी यूज करते हैं। बट जो मिसाइल्स कम ऑल्टीट्यूड्स पे हैं अप टू 30 किलोमीटर ही हैं, 15 to 30 किलोमीटर के लिए रेंज में ही हैं, उनके लिए हम यूज करेंगे अश्विन एडवांस डिफेंस इंटरसेप्टर यानी AAD, जो कि एंडो एटमोस्फेरिक लो ऑल्टीट्यूड बेस्ड डिफेंस सिस्टम होगा। ये AAD की अगर हम बात करें तो ये एक सिंगल स्टेज सुपरसोनिक सॉलिड फ्यूल इंटरसेप्टर मिसाइल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बराक 8 की, जो कि एक इजरायली बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक 8 के दो वर्जन है, बराक मिसाइल के दो वर्जन है, MRSAM और LRSAM। MRSAM जो है मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल है और LRSAM जो है लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल है। MRSAM जो है एक लैंड बेस्ड वर्जन है और LRSAM की अगर हम बात करें तो इसे एयर या फिर मरीन वर्जन पे चलाया जा वर्जन से लॉन्च किया जा सकता है। दिस इज बेसिकली डिजाइन टू डिफेंड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एयरबॉर्न थ्रेट, यानी जो ये जो हमारा LRSAM है इसे डिजाइन किया गया है ताकि हमें कोई भी तरीके की एयरबॉर्न थ्रेट ना रहे फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स या फिर UAVs। और इसके अभी हमने पढ़ा था कि दोनों ही वर्जन इन बराक 8 मिसाइल्स के रहते हैं। तो बराक 8 मिसाइल्स बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट एयर मिसाइल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थार की, जो कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। ये बेसिकली एक अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसे डिजाइन किया था टू शूट डाउन एनी काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंजेस। तो इनका जो इंटरसेप्शन रहता है हिट टू किल अप्रोच रहती है, यानी जैसे ही ये इंटरसेप्ट करती है उसे किल कर देती है उस मिसाइल को। इसे डिप्लॉय किया गया है बहुत सारी कंट्रीज में लाइक गुआम, UAE, इसराइल और सऊदी कोरिया में। रिसेंटली जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशन बढ़े थे तो US ने इसे डिप्लॉय किया था। थार्ड की अगर हम बात करें तो उसका स्पेशल फीचर ये रहता है कि इट इज हाईली मोबाइल एंड इट कैन बी डिप्लॉयड एनी वेयर इन द वर्ल्ड। क्योंकि इसे बहुत ही आसानी से डिप्लॉय किया जाता है, बहुत ही हाईली मोबाइल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। एंड इट कैन इंटरसेप्ट मिसाइल्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, यानी बहुत ही लो रेंज में भी ये कर सकती है और बहुत हाई रेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड पे भी ये मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। लास्ट हम बात करेंगे S-400 की, जो कि एक रशियन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है एंड इट कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 5th जनरेशन, यानी जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको भी S-400 टारगेट कर सकते हैं। तो ये रशिया का लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इंडिया ने अभी प्लान किया है बाय करने का, और ये इंडिया की लैंड और एयर बाउंड्रीज यानी पाकिस्तान और चाइना से इंडिया को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देगा। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। सबसे पहले व्हाट इज थार्ड? थार्ड क्या था? थार्ड इज बेसिकली एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो बराक जो थी वो एक इंडिया इजरायली कोलैबोरेशन है, तो इसका आंसर होगा ए। सो फ्रेंड्स, दिस ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। जाने से पहले हम आपको कुछ थोड़े से क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए देने चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे ये प्रीलिम्स 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ए अर्जुन, ये क्या है एक इंडिजिनियसली प्रोड्यूस मेन बैटल टैंक है? सेकंड फाल्कन, क्या ये क्रूज मिसाइल है जो कि रशिया ने इंडिया को दी थी?
सारस जो कि एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, या फिर फोर्थ ऑपरेशन सीबर्ड न्यू इंडियन नेवल बेस एट कारवार। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है वो है, व्हाट इज द गैलीलियो प्रोजेक्ट व्हिच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली। क्या वो एक इंटर कंट्री प्रोग्राम है मिसाइल शील्ड का डेवलप्ड बाय यूएस? सेकेंड, इट इज अ प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय इंडिया विद असिस्टेंस ऑफ कनाडा। थर्ड, इट इज एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय जापान, या फिर इट इज अ मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से गैलीलियो एग्जैक्टली है क्या। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल रिलेटेड टू डिफेंस दैट वी नीडेड टू कवर फॉर दिस लेक्चर। उसके इसके अलावा कुछ जो फैक्ट्स आजकल ज्यादा न्यूज में रह रहे हैं, इनके बारे में आपको खुद पढ़ना है। इसमें हमने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये बेसिकली मिसाइल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 28, प्रोजेक्ट 15। इसके अलावा कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हैं जो कि न्यूज में रहते हैं। आपको पता करना है कि ये क्या टाइप है, किस एजेंसी ने इसे डेवलप किया है, क्या कोई सेलियंट फीचर है जिसकी वजह से ये न्यूज में रह रहा है, तो उनको भी पढ़ना है। इसमें आपको जैसे नेत्रा पढ़ना है, स्वाति पढ़ना है, ICGS विजय पढ़ना है, सागर कन्या पढ़ना है। तो ये कुछ डिफेंस सिस्टम है जो आपको पढ़ने हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। वी विल बैक टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो।